हेलो एंड वेलकम बैक. मैं मधु और आज का टॉपिक है द आइडिया ऑफ ऑर्डर एट की वेस्ट पार्ट टू बाय वॉलेस स्टीवेंस. पार्ट टू मीन्स मैंने इसका पार्ट वन वीडियो पहले बना चुकी हूँ. ये दूसरा वीडियो है. ओके, तो जहाँ से वहाँ पे छोड़ा था वहीं से आज मैं शुरू करती हूँ. फॉर शी वॉज द मेकर ऑफ द सॉन्ग शी सैंग. भले ही वुमेन ने सी से इंस्पायर होकर गाना गाया हो बट जो इसकी मेकर है वो वुमेन है. She was the maker of the song. The ever hooded, tragic gestured sea. Hooded means नकाबपोश होता है, बट अब यहाँ पे जैसे जो सी की जो वेव्स फॉर्म होती है ना, जो वेव फॉर्म होता है उसको यहाँ पे नहीं है, ever hooded बोला गया है. और ट्रेजिक जस्टर मतलब दुखद इशारे, मतलब सी इन सब चीज़ों के लिए भी कैपेबल है, वो ये सब भी कर सकता है. Was merely a place by which she walked to sing. मतलब ये सब तो सिर्फ चीजें हैं जो वो गाना गाते गाते चल रही है, मेन तो उसका गाना ही है. Whose spirit is this? We said because we knew. अब पोएट यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, रीडर से बात कर रहे हैं, अपने कंपेनियन से बात कर रहे हैं, किसी से तो बात कर रहे हैं. बोल रहे हैं whose spirit is this? किसकी spirit है? We said because we knew. हमने इसलिए कहा क्योंकि हमें पता था किसकी spirit है. अभी किसकी spirit है शायद पोएम में आगे पता चल जाए. It was a spirit that we sought and knew. हम लोग रोमन माइथोलॉजी वाला मान के चले तो ये सी की स्पिरिट को बोल रहे, बट हो सकता है पोएम में आगे डिफाइन करें कि किसकी स्पिरिट है, हो सकता है ना भी करें किसकी स्पिरिट है, तो जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा. It was a spirit that we sought and knew that we should ask this often as she sang. जैसे जैसे वो गाना गा रही है हमें ऑफ्टनली पूछना चाहिए कि किसकी स्पिरिट है, उसकी स्पिरिट है जिसको हमने मांगा या हम जिसको जानते हैं. सॉट सीक का पास्ट टेंस है. सीक मतलब होता है कुछ ढूंढना. ये उसकी स्पिरिट है जिसको हम ढूंढ रहे थे, किसकी है वो आगे पता चलेगा या हो सकता है ना भी बताएं. इफ इट वॉज ओनली द डार्क वॉइस ऑफ द सी दैट रोज और इवन कलर्ड बाय मैनी वेव्स. हो सकता है कि सिर्फ ये डार्क वॉइस हो सी की जो उठी और जिसको मैनी वेव्स ने, कई सारी वेव्स ने कलर कर दिया. इफ इट वॉज ओनली द आउटर वॉइस ऑफ स्काई, या फिर सिर्फ ये आवाज है स्काई की. एंड क्लाउड ऑफ द संकन कोरल वॉटर वर्ल्ड हाउ एवर क्लियर इट वुड हैव बीन डीप एयर. बादल की आवाज़ है, स्काई की आवाज़ है, या धसे हुए कोरल पानी की उसकी आवाज़ है. कोरल जो है वो समुद्र सी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है. संकन मतलब धसा हुआ. हाउ एवर क्लियर, जो भी होगा उसमें डीप एयर होगी. द हीविंग स्पीच ऑफ एयर अ समर साउंड. हीविंग मीन्स क्राउडेड. द हीविंग स्पीच ऑफ एयर मतलब वहाँ पे जो हवा है बहुत ही घनी है, वहाँ पे काफी सारी हवा है. अ समर साउंड गर्मी की आवाज. रिपीटेड इन अ समर विदाउट एंड. एंड साउंड अलोन बट इट वॉज मोर देन दैट. समर साउंड रिपीट हो रहा है विदाउट एंड, मतलब गर्मी का मौसम है, चलता चला जा रहा है गर्मी का मौसम. और साउंड अलोन बट इट वॉज मोर देन दैट. ये जो चीज़ें हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन सब चीज़ों में और भी चीज़ें हैं. वो क्या चीज़ें हैं वो आगे पता चलेंगी. मोर इवन देन हर वॉइस एंड आर्स अमंग. मैं आगे की लाइन पर कंटिन्यू करूंगी. मतलब उसकी आवाज़ से ज्यादा, हमारी आवाज़ से ज्यादा. द मीनिंग लेस प्लंजिंग्स ऑफ वाटर एंड द विंड. थ्रेटिकल डिस्टेंसेस ब्रॉन्ज शेडोज हिप्ड. प्लंजिंग्स मीन्स तेजी से आगे बढ़ना. उसकी आवाज़ों के साथ तेजी से हवा का, पानी का आगे बढ़ना. थ्रेटिकल डिस्टेंस, थ्रेटिकल मीन्स नाटकीय. ब्रॉन्ज शेडो से मतलब हम लोग ये ले सकते हैं कि लोगों की शेडो बन रही है वहाँ पे बीच पे. ऑन हाई होराइजन्स माउंटेनियस एटमॉस्फेयर्स. ऑन हाई होराइजन्स मतलब सी और जो स्काई के बीच में डिवाइडेशन होता है उसको बता रहे हैं. वहाँ पे माउंटेनियस एटमॉस्फेयर है. पूरा लैंडस्केप थोड़ा डिस्क्राइब किया उन्होंने, स्काई और सी का माउंटेनियस एटमॉस्फेयर. It was her voice that made the sky acutest at its vanishing. Vanishing यहाँ पे horizon से है, उसके end से. Vanishing मतलब कोई चीज़ vanish हो जाए, खत्म हो जाए. Acutest मतलब तीव्र होता है, पर यहाँ पे हम लोग उसको मतलब intense या beautiful से भी ले सकते हैं. ये वो woman की voice थी जिसके वजह से जो sky जहाँ पे end हो रहा है और जिससे sea से मिल रहा है, तो वो जो चीज़ है वो इंटेंस हो गई, तीव्र हो गई. और इंटेंसली हम लोगों को शायद वो चीज़ अच्छी भी लग रही है. पोएट और उनके कंपेनियन को या उनके रीडर्स को, हम लोगों को. शी मेजर टू द आर इट्स सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स अकेले. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसने अकेले में काफी समय बिताया, घंटे बिता दिए. शी वॉज अ सिंगल आर्टिफिशर ऑफ द वर्ल्ड इन विच शी सैंग एंड वेन शी सैंग द सी वॉट एवर सेल्फ इट हैड बिकेम द सेल्फ. आर्टिफिशियल मतलब शिल्पी या शिल्पकार. वो वुमेन जो है उसने अपनी खुद की दुनिया बना ली है जिसमें वो गाना गाती है,
और जब वो उसको गाना गाती है, जो सी है, सी के पास जो भी सेल्फ है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके गाने में मिल जाता है, ऐसा शायद कहना चाहते हैं पोएट। बिकेम द सेल्फ मतलब वो सेल्फ बन जाता है, उसके गाने का पार्ट बन जाता है क्योंकि वो उसी से इंस्पायर होकर गा रही है, तो वो चीज़ उसमें दिखेगी ही दिखेगी उसके गाने में। दैट वॉज हर सॉन्ग फॉर शी वॉज द मेकर देन वी एज वी बी हेल्ड हर स्ट्राइडिंग देयर अलोन, वो उसका ही गाना था क्योंकि वो उसकी मेकर है। जैसे कि हमने उसको देखा ही अकेले चलते हुए, बी हेल्ड मतलब देखना, बी होल्ड का ये पास्ट टेंस है, देखना या ऑब्जर्व करना, स्ट्राइडिंग का मीन्स एक ही डायरेक्शन में सीधे चलते चले जाना। न्यू दैट देयर नेवर वॉज अ वर्ल्ड फॉर हर, ये जानते हुए ये समझते हुए चलती चली जा रही थी कि जैसे उसके लिए कभी कोई वर्ल्ड ही नहीं था। एक्सेप्ट द वन शी सैंग एंड सिंगिंग मेड, सिवाय उसके जो उसने गाना गा के बनाया और जिसमें गाना गाती है वही वर्ड उसका है। ओके, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मैं इसका थर्ड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, वो उसका फाइनल वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।